अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद मेरे चैनल पर दोबारा से। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गुम हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाज़ा है और उसी के साथ बस बिज़ी हो गई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे फिर से वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं दोबारा से आ गई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में और मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो मैंने बनाई है नेल कटर और नेल सीज़र पे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं। मेरा भी फ़र्स्ट बेबी था तो मैंने दोनों ही ख़रीदे थे, लेकिन मुझे जो चीज़ बेस्ट लगी वो है नेल सीज़र। कटर से या तो बच्चों की अक्सर उंगली कट जाती है, लेकिन सीज़र से बहुत आराम से जो है ना नेल्स कट जाते हैं। बच्चों के वैसे भी नेल्स सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए बच्चों वाली ही सीज़र और बच्चों वाली ही नेल कटर लेना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे जो है वो नेल सीज़र अच्छा लगा है। तो इसके साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी नेल सीज़र यूज़ करें। अगर आपका फ़र्स्ट बेबी है, आपको पता नहीं होगा, बहुत से माएँ फर्स्ट बेबीज़ की माएँ बनती हैं तो उनको पता नहीं होता कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे मुझे भी पता नहीं था, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के साथ इंसान को सब कुछ पता चल जाता है। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी बेबी के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा कि वो अल्लाह उसको सेहतमंदाना ज़िंदगी दे। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं कहती हूँ आप सबको अल्लाह हाफिज़।